अयोध्या जनपद में एक लालची दूल्हे का कारनामा आया सामने। मामला यह है कि एक लालची दूल्हे से एक दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद दुल्हन के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता, उसके जीजा, उसके दोस्त को पुलिस थाने ले आई। आपको बता दें कि मामला कोतवाली नगर के जनोरा भीमसेन पैलेस का है, जहां पर वर वधु पक्ष दोनों मौजूद थे। अचानक दहेज को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दुल्हन ने लालची दूल्हे से शादी करने से साफ मना कर दिया। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने बताया कि गोरखपुर के इंदिरा नगर निवासी लड़के से ऑनलाइन शादी तय हुई थी, जिसमें दहेज की भी बात हुई थी, जिसमें दूल्हे के पिता को 4,10,000 रुपये नगद दे दिए गए थे, लेकिन दूल्हे वालों ने दुल्हन के लिए जेवर लेकर नहीं आए, जिसके बाद विवाद हुआ और फिर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने कहा, दूल्हे की जीजा गिरजेश पटेल ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि शादी तो अभी कर लेंगे, लेकिन सुबह 5 लाशें यहाँ से लेकर जाएंगे। ये लोग जैसे जो शादी के पहले वो आता है, 5 थान जेवर आती है, उसमें जेवर ये लोग नहीं लाए, एक जेवर लेके आए थे गले का सिर्फ, तो उसी पे बहस होने लगी। और इन्होंने हमसे ये भी कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा भेज दो हमारे पास, हमको अभी जेवर भी खरीदनी है 1.5 लाख रुपए। तो जब आपने मुझसे पैसा लिया तो जेवर क्यों नहीं खरीदा आपने? आपने 1.5 लाख दिया? हमने 4,10,000 रुपये दिए इनको टोटल। उसके बाद ये फिर जब वहाँ पे बहस होने लगी तो इनके जीजा जी बहुत गाली गलौज करने लगे। उसमें तो हमारी तरफ से जब कुछ लोगों ने बोला तो ये कहे मैं लाशें बिछा दूंगा। उसके बाद फिर जब ये सब बोलने लगे, ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, कहे लाशें बिछा दूंगा, गोली मार दूंगा। चलिए आपको इनके जीजा जी नाम क्या है? गिरजेश पटेल। क्या करते हैं? इनकी फार्मा कंपनी है कोई, और राजनीति भी करते हैं। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर जब ये मतलब मामला नहीं सुलझा तो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कितना पैसा चाहिए आपको, मैं पेमेंट कर देता हूँ और शादी करो, लेकिन मैं सुबह 5 लाशें लेके जाऊँगा। फिर हम लोग फिर वहीं बयान हमारी बैठी थी उसी कमरे में, उसके बाद फिर वहीं उसने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी इनके यहाँ, इनके यहाँ जाना ही नहीं हमको। हम लोग फिर कैंसिल कर दिए शादी। फिर क्या हुआ? फिर आप कोतवाली पे क्या? फिर हमने 112 किया 2-3 बार। उसके बाद फिर नंबर यहाँ का मिला, सर का बात किया कोतवाल साहब से, फिर पुलिस गई, लोग को लेके आई यहाँ। कब लेकर के आई है? इनको लेके आई है सुबह लगभग 5 या। शादी भी कुछ नहीं हुई? शादी नहीं हुई, सिर्फ वो हुआ, तिलक हुआ, वरीक्षा हुआ। चाहते क्या हो? हम लोग सुलह करना चाहते हैं। शादी करने को? नहीं, शादी नहीं करेंगे, ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी।